हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम एक्समैन मूवी सीरीज की एक अलग मूवी डेडपुल का सेकंड पार्ट डेडपुल 2 के बारे में बात करेंगे। वैसे तो डेडपुल एक्समैन में ही आता है, लेकिन इसका दूसरे एक्समैन से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें डेडपुल का ओरिजिन के साथ उसकी एक अलग स्टोरी बताई गई है। गाइस, मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें रैन नोलर्ड ने डेडपुल का बहुत अच्छा रोल किया है और डेडपुल की अलग अलग पावर्स को भी बताया गया है, जिसमें उसकी हीलिंग पावर, तलवार चलाने में एक्सपर्ट और अपने अलग अंदाज को बताया गया है। गाइस, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज को सिक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी की स्टार्टिंग में वेड विल्सन डेडपुल को दिखाते हैं जो उसके घर में होता है। वेड के पास एक लोगन का वही टॉय होता है जिस तरह लोगन मरा था, और वो उसको प्ले कर देता है। यहाँ पर डेडपुल अपने घर के सारे गैस के स्विच को ऑन कर देता है और बहुत सारे ड्रम पर लेट जाता है। वेड उन ड्रम में आग लगा देता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और वेड विल्सन डेडपुल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ से वेड की नरेशन चलती है, जहाँ वो बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वेड बताता है कि उसने बहुत से लोगों को मार दिया, जिससे उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए। उन फाइट में से एक फाइट में डेडपुल का एक दुश्मन बच जाता है और वो किसी तरह से अपने आप को छुपा लेता है। यहाँ पर डेडपुल उससे बोलता है कि बाहर निकल, मेरी आज एनिवर्सरी है, मैं लेट हो रहा हूँ। और वेड उसे ना मारकर वहाँ से डोपिंदर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। डोपिंदर वेड को उसके घर पर छोड़ देता है, जहाँ पर वेनेसा उसका वेट करती है। वेनेसा और वेड अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में बात करते हैं और अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। वेनेसा उनके होने वाले बच्चे का नाम सोचती है, जहाँ वेड को एक खतरे का एहसास होता है और वेड बोलता है कि तुम छुप जाओ। और तभी यहाँ पर कुछ लोग घर पर हमला कर देते हैं। ये सब वेड के ही दुश्मन होते हैं, जो वेड के घर पर आकर वेनेसा को भी मारने लगते हैं। वेड सबको मार देता है, लेकिन वही वेड से बचा हुआ वो आदमी वेड पर गोली चलाता है, लेकिन वेड के चाकू फेंकने की वजह से वो गोली वेनेसा को लग जाती है और वो मरने लगती है। वेड उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और उसको पकड़ लेता है। वेड वेनेसा का मरने का गुनहगार खुद को भी मानता है, और वो उस आदमी के साथ एक ट्रक के सामने आ जाता है। सीन में आगे वेड को दिखाते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि उसकी म्यूटेंट पावर से वो वापस जिंदा हो जाता है। वेड उसके दोस्त के बार में 3 दिन से एक ही जगह पर बैठा हुआ होता है और वेनेसा को याद करता है। विजल वेड को घर जाने के लिए बोलता है। वेड वहाँ से उसी ब्लाइंड लेडी के घर पर आ जाता है और उससे बात करता है कि उसकी वजह से वेनेसा मर गई है, हम एक नई फैमिली बनाना चाहते थे। यहाँ से वेड अब खुद को मारने के लिए कई अलग अलग तरह से ट्राई करता है, लेकिन वो उसकी पावर से हमेशा बच जाता है। और यहीं पर फ्लैशबैक सीन को ख़त्म करके प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं, जहाँ वेड खुद को उड़ा देता है। वेड अब वेनेसा की याद में आता है, जहाँ वो उसके पास जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है। वेनेसा बोलती है तुम्हारा दिल सही जगह पर नहीं है, और तभी वेड उसकी याद से बाहर आ जाता है, जहाँ अब कोलिसिस वेड के घर पर आता है और उसके टूटे हुए हाथ पैरों को उठाकर जेवियर स्कूल में ले आता है। सीन के साथ एक म्यूटेंट री एडुकेशन सेंटर में एक बच्चे रसल को दिखाते हैं, जिसको उस सेंटर में रखा जाता है, जहाँ का प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा इलाज मुझसे हो रहा है। जेवियर स्कूल में वेड अपनी हीलिंग एबिलिटी से फिर से ठीक हो जाता है, जहाँ वो नेगासोनिक और यूकियो से मिलता है। कोलिसिस वेड को स्कूल में सबके साथ रहने को बोलता है। वेड वहाँ से चार्ल्स की वही चेयर लेकर इधर उधर भागता है। वेड बोलता है कि वेनेसा का एक कातिल अभी भी बच गया है, और वो मैं खुद हूँ। मैंने खुद को कई बार मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं मरा नहीं। यहाँ अब वेड कोलिसिस की बात मान जाता है और एक्समैन स्कूल में रुक जाता है। सीन में आगे फ्यूचर में एक सोल्जर केबल को दिखाते हैं, जो एक जगह पर जाता है। वहाँ पर 2 बॉडी जली हुई होती है, और उसके साथ वहाँ पर एक जला हुआ टेडी भी होता है। केबल अपने हाथ पर बनी हुई एक वॉच से एक टाइम को सेट करता है और पास्ट में आ जाता है। केबल वहाँ 2 आदमी से पूछता है कि ये कौन सा साल है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाते हैं। तब केबल उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जेवियर स्कूल में वेड खुद को एक्समैन का मेंबर बना लेता है, लेकिन नेगासोनिक को लगता है कि वेड अभी भी ये सब ड्रामा कर रहा है। सीन के साथ वही सेंटर में दिखाते हैं, जहाँ का प्रिंसिपल रसल को ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। साथ में जेवियर स्कूल में कोलिसिस वेड को बोलता है कि उन्हें एक मिशन पर जाना है, जिसमें तुम भी हमारे साथ चलोगे। सीन में वही म्यूटेंट सेंटर पर दिखाते हैं, जहाँ रसल अपनी पावर से पूरे सेंटर में तबाही कर देता है और साथ में पुलिस की गाड़ियों को भी उड़ा देता है। यहाँ रसल एक म्यूटेंट रहता है, जिसके पास आग को कंट्रोल करने की पावर है। अब यहाँ पर एक्सट्रीम आ जाती है, जहाँ वेड वही अपने पुराने अंदाज में बात करता है। वेड रसल को समझाता है कि ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन रसल उसकी बात नहीं सुनता है और वो एक फायर ब्लास्ट से नेगासोनिक को दूर फेंक देता है। अब कोलोसस को गुस्सा आता है और वो रसल को पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर रसल उसे भी एक फायर ब्लास्ट करके दूर फेंक देता है। ये देखकर वेट को गुस्सा आता है और वो अपनी गन्स निकालकर बच्चे के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन तब कोलोसस बोलता है कि वेट, हम किसी को मारते नहीं हैं, एक्समैन के रूल मत तोड़ो। अब वेट ना चाहते हुए भी अपनी गन्स को रख देता है और प्यार से रसल को समझाता है। रसल अब वेट को भी उड़ा देता है। वेट अब यहाँ पर सुपर हीरो वाली एंट्री करता है और रसल को मारने आता है, जहाँ वो अपनी तलवार को रसल की तरफ फेंकता है, जिससे तलवार के हैंडल से रसल गिर जाता है और उसको वहाँ पर पुलिस वाले पकड़कर उसके गले में एक बेल्ट को बांध देते हैं, जिससे किसी भी म्यूटेंट की पावर को रोका जा सकता है। यहाँ सब वेट की तारीफ करते हैं। तब रसल बोलता है कि मुझे इस सेंटर पर नहीं रहना है। वेट देखता है कि रसल के गले में एक निशान है जो प्रिंसिपल ने ही किया है, और वेट उठकर एक सुपर हीरो वाली स्पीच देता है और अपनी गन निकालकर प्रिंसिपल और उसके साथी को गोली मारता है, क्योंकि उन्होंने रसल को मारा होता है। कोलोसस वेट को पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने मुझे फिर से निराश किया। अब वेट को भी पुलिस पकड़ लेती है और उसके गले में भी वही बेल्ट को पहना देती है। यहाँ से वेट और रसल को आइस बॉक्स में लेकर जाते हैं। यह एक तरह की एक म्यूटेंट जेल होती है, जहाँ पर सब म्यूटेंट को कैद करके रखा जाता है और उनके गले में वही बेल्ट होती है। वेट और रसल को एक ही बॉक्स में रखा जाता है। वेट के गले में उस बेल्ट से उसकी म्यूटेंट पावर रुक जाती है, जिससे उसका कैंसर के ट्यूमर बढ़ने लगते हैं। रसल बताता है कि वो हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसे सबकी मार सहनी पड़ी। अब मेरा एक ही मकसद है कि मैं उस सेंटर के प्रिंसिपल को मारकर उसके साथ एक सेल्फी लूँ। रसल आइस बॉक्स में सबसे दमदार म्यूटेंट को ढूंढने के लिए बोलता है। रसल यहाँ बाहर निकलने के लिए अपने पास से एक पेन निकालता है, जो उसने गार्ड से ले लिया था। सीन में आगे फ्यूचर से आए उसी सोल्जर केबल को दिखाते हैं, जो न्यूज पर रसल की फैलाई हुई तबाही देखता है और अपने फ्यूचर से लाए हुए हथियार को तैयार करता है। केबल के पास अभी भी वो जला हुआ टेडी होता है। यहाँ जेल में वेड और रसल खाना खाते हैं, जहाँ रसल वेड को बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तभी यहाँ दूसरे म्यूटेंट आ जाते हैं। तब रसल उस पेन से उनको मारने लगता है, लेकिन उल्टा रसल के एक मुक्का पड़ जाता है और वो पेन वेड के घुसा देते हैं, जिससे वेड को दर्द होता है। अब वेड और रसल दोनों ही बुरी तरह से पिटते हैं। यहाँ वेड का कैंसर बढ़ता जाता है, जिससे उसकी बॉडी कमजोर होने लगती है। वेड खुद के बारे में रसल को बताता है। तब यहाँ जेल में केबल आ जाता है और वो गार्ड्स को मारने लगता है। केबल के इस धमाके से सब म्यूटेंट के आइस बॉक्स खुल जाते हैं, लेकिन वेड और रसल का नहीं खुलता है। केबल देखता है कि रसल और वेड कहाँ हैं और वो उनकी तरफ जाता है। केबल वहाँ पर सब गार्ड्स को मारता है और उस बॉक्स को उड़ा देता है, जिसमें वेड और रसल रहते हैं। वेड और रसल वहाँ से भागते हैं, जहाँ केबल बस उन दोनों पर ही हमला करता है। केबल दोनों तक पहुँच जाता है, जहाँ वो बोलता है हेलो रसल, और रसल पर गोली चलाने लगता है। वेड रसल को बचाता है और केबल से लड़ता है। वेड केबल को वहाँ से गिरा देता है, जहाँ वेड की खुद की बॉडी टूट जाती है और साथ में उसके गले में लगा हुआ बेल्ट भी खुल जाता है। थोड़ी देर में वेड वापस उड़ता है, जहाँ पर उसकी म्यूटेंट पावर उसमें वापस आ जाती है और वो केबल को मारता है। वेड केबल की गन उठाकर उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है और केबल के ऊपर फायर करता है, जिससे केबल दूर जाकर गिर जाता है। वेड अब गन के साथ उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम उस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो। तब केबल अपनी गन वापस ले लेता है और दोनों फिर से लड़ते हैं। केबल वेड का हाथ तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वेड उससे लड़ता है। केबल वेड को बुरी तरह से मारता है। वेड के पास से वेनेसा का दिया हुआ वो कॉइन गिर जाता है, जिसको केबल अपने पास में रख लेता है। यहाँ वेड केबल का बम निकालकर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे दोनों जेल की बिल्डिंग से बाहर गिर जाते हैं। यहाँ जेल में रसल को फिर से पकड़ लेते हैं और वेड वहाँ से गिरकर एक बर्फ़ की बनी हुई लेक में गिर जाता है और वही वेनेसा की याद में पहुँच जाता है, जहाँ वो उसके पास में नहीं जा पाता है। वेनेसा बोलती है, हमें बस बच्चे ही सुधार सकते हैं। तब वेड रसल को बचाने के बारे में सोचता है और उस लेक से बाहर आ जाता है। वेड अब अपने दोस्त विसल के पास में जाता है और बोलता है, उसका अब एक ही मकसद है, उस बच्चे को केबल से बचाना। मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन उसके लिए एक दमदार टीम की ज़रूरत होगी। सीन में आगे केबल को दिखाते हैं, जिसकी आधी बॉडी एक मशीन की होती है। केबल कुछ याद करता है, जहाँ उस जले हुए टेडी के साथ एक बच्ची रहती है और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। सीन शिफ्ट करके जेल में दिखाते हैं, जहाँ रसल कैदियों में लड़ाई करवा देता है और उस आइस बॉक्स में जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहरा रहता है, जहाँ अंदर एक म्यूटेंट रहता है और वो उसको अपने साथ मिलने के लिए बोलता है।
जिससे वो दोनों इस केस से भाग सकें। यहाँ साथ में वेड और विसल को दिखाते हैं जो अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें सबके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। वेड सबको अपने साथ में रख लेता है पर यहाँ पर विसल को केबल पकड़ लेता है और उससे वेड के सारे प्लान के बारे में पता कर लेता है, जिसमें जब वो रसल और दूसरे म्यूटेंट को दूसरी जेल में ले जा रहे होंगे तब वहाँ पर रसल को बचाना है। यहाँ आगे म्यूटेंट को दूसरी जेल में लेकर जाते हैं और वेड अपनी टीम के साथ एक एरोप्लेन में होता है और उनकी टीम का नाम एक्समैन ना रखकर एक्स फोर्स रखता है। अब सब उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें रसल को बचाना है। वेड के साथ उसके साथी प्लेन से कूदते हैं लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जहाँ वो धीरे धीरे करके वेड की टीम के सारे मेंबर मर जाते हैं। लेकिन डोमिनो, जिसके पास लक की पावर होती है, वो अपने लक से बच जाती है और रसल की तरफ जाती है। वेड डोमिनो को बोलता है कि लक कोई सुपर पावर नहीं होती है, लेकिन यहाँ डोमिनो को कुछ नहीं होता है और वो उस ट्रक के अंदर आ जाती है। यहाँ केबल भी आ जाता है और डोमिनो पर हमला करता है लेकिन वो बच जाती है। केबल अब ट्रक के अंदर आ जाता है और सब म्यूटेंट को वहाँ से फेंकता है। तब डोमिनो ट्रक को चलता हुआ छोड़कर केबल को मारने जाती है और अपने लक से केबल को मारती है। वेड भी ट्रक में आ जाता है और डोमिनो को बचाता है। डोमिनो ट्रक को संभालती है जिसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। यहाँ वेड और केबल की एक तगड़ी फाइट होती है जहाँ अब रसल उस बॉक्स से बाहर आ जाता है और सबसे पावरफुल म्यूटेंट को आज़ाद कर देता है, जिसके एक पंच से पूरा ब्रिज ही टूट जाता है। डोमिनो अपने लक से यहाँ पर बच जाती है, रसल भी यहाँ पर बच जाता है और उसके साथ एक म्यूटेंट निकलता है जिसका नाम जगन्नॉट होता है, जिसमें बहुत पावर रहती है। जगन्नॉट आकर वेड को पकड़कर उसे दो हिस्सों में तोड़ देता है। रसल बोलता है उसका बस एक ही मकसद है, उस प्रिंसिपल को मारना। वेड उसे ऐसा करने को मना करता है लेकिन रसल जगन्नॉट के साथ वहाँ से चला जाता है। वेड को डोमिनो उसके घर पर ले आती है जहाँ उसकी पावर से उसकी आधी टूटी हुई बॉडी वापस बनने लगती है। यहाँ विजल भी आता है और बोलता है कि उसे केबल ने पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ विजल के पीछे ही केबल होता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आज रसल उसके प्रिंसिपल को मारने वाला है, उसके बाद उसको लोगों को मारने की आदत हो जाएगी और वो एक हत्यारा बन जाएगा। एक दिन वो मेरे अपनों को भी मार देगा। यहाँ केबल रसल को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि रसल ने फ्यूचर में उसकी बेटी और वाइफ को मार दिया है। वेड अभी भी रसल को समझाने के लिए बोलता है कि अभी वो बच्चा है, उसे रोका जा सकता है, मुझे एक मौका दो, मैं उसे रोकूंगा। केबल वेड को 30 सेकंड का टाइम रसल को समझाने के लिए देता है। अब वेड केबल के साथ डोपिंदर की गाड़ी में रसल को रोकने जाता है, लेकिन उसके पहले वेड जगन्नॉट से लड़ने के लिए जेवियर स्कूल में कोलेसिस को लेने जाता है, लेकिन कोलेसिस आने को मना कर देता है। रसल जगन्नॉट के साथ स्कूल में आ जाता है जहाँ अब वेड और उसके साथी भी आ जाते हैं। वेड रसल को रोकता है लेकिन रसल प्रिंसिपल के पीछे जाता है और अनाथालय को जलाने लगता है। जगन्नॉट सबको बुरी तरह से मारता है जहाँ वो वेड को उठाकर फेंक देता है। डोमिनो अपनी किस्मत से उसे लड़ती है और जगन्नॉट से बच जाती है। यहाँ अब कोलेसिस आ जाता है और वेड के सर में घुसा हुआ रोड को निकाल देता है। अब जगन्नॉट और कोलेसिस की एक तगड़ी फाइट होती है। डोमिनो अनाथालय में जाकर बच्चों को बचाती है जहाँ वो अपनी किस्मत से सबको मारती है। वेड और केबल वहाँ पर मौजूद लोगों को मारते हैं और रसल की तरफ जाते हैं। रसल प्रिंसिपल से बोलता है कि बोलो जो तुम मुझसे बोलते थे, कि तुम तकदीर वाले हो, जो तुम्हारा इलाज मुझसे हो रहा है। यहाँ कोलेसिस और जगन्नॉट की फाइट होती है जहाँ पर कोलेसिस जगन्नॉट को दो डालता है। जगन्नॉट वहाँ पड़ी हुई एक बस को कोलेसिस पर फेंकता है। तभी डोमिनो बोलती है कि इन बच्चों को निकालने के लिए एक बस की ज़रूरत होगी और वहाँ पर जगन्नॉट की फेंकी हुई एक बस आ जाती है। अब वेड और केबल रसल को रोकने जाते हैं। रसल पूरे अनाथालय को जला देता है जहाँ केबल अब रसल को मारने जाता है, लेकिन वेड उसे रोक देता है। यहाँ कोलेसिस की मदद करने के लिए नेगासोनिक और यूक्यू आ जाती है और तीनों मिलकर जगन्नॉट को बिजली का एक झटका देते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। रसल अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल तक यूज़ कर लेता है जिससे उसे अच्छा लगने लगता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट करने लगता है। वेड केबल से बोलता है कि वो रसल को समझाएगा। अब वेड रसल को समझाता है और उसे गले लगाता है, लेकिन रसल वेड पर ही ब्लास्ट कर देता है। तब वेड म्यूटेंट पावर को रोकने वाला वो बेल्ट निकालता है और बोलता है कि तुझे मारना है तो मुझे मार। रसल अब अपनी आँख निकालता है और केबल रसल को मारने लगता है। वेड रसल को लगने वाली बुलेट के सामने आ जाता है और वो बुलेट वेड को लग जाती है। वेड अब यहाँ पर मरने लगता है जहाँ पर उसे देखकर रसल रुक जाता है। कोलेसिस वेड पर से वो बेल्ट निकालने लगता है लेकिन वेड उसे रोक देता है
और बोलता है कि उसे मरना है। यहाँ केबल के पास रखा हुआ टेडी पर से वो खून साफ हो जाता है, जिसका मतलब है रसल फ्यूचर में किसी को मारेगा नहीं। वेड अब सबसे बात करता है और मर जाता है। वेड यहाँ वापस वेनेसा की याद में पहुँच जाता है, जहाँ अब उसके पास में जा सकता है। वेड बोलता है आखिर उसने उस बच्चे की मदद की और उससे बचा लिया। यहाँ केबल अपने फ्यूचर की बात से टाइम में पीछे आ जाता है, जहाँ वो टैक्सी से उतरते वक्त वो वेड के सीने में कुछ लगा देता है और वापस फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर फाइट होती है और केबल बुलेट को शूट करता है जो वेड को लगती है, लेकिन वेड इस बार बच जाता है क्योंकि केबल ने फ्यूचर देख लिया होता है और वो पास्ट में आकर वेड के सीने में वो सिक्का लगा देता है, जिससे वेड बच जाता है। लेकिन इससे केबल अब अपने घर फ्यूचर में नहीं जा पाता है और वो बोलता है कि थोड़े टाइम उसे यहाँ पर रुकना है। रसल वेड के गले से वो बेल्ट निकाल देता है। यहाँ वापस से वो प्रिंसिपल आता है और म्यूटेंट के लिए बुरा बोलता है। तब यहाँ पर डोपिंदर आकर उसे कार से उड़ा देता है और यहाँ होती है एक हैप्पी एंडिंग। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में नेगासोनिक को दिखाते हैं, जो केबल की फ्यूचर की वॉच को वेट के लिए ठीक कर देती है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। गाइस, अगर आपको एक्समैन मूवी सीरीज का सीक्वल वॉच देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। हो सके तो इस मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।